दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब ने लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया कि मेरे अंदर जल्दबाजी आ गई कि मैं जल्दी जल्दी से और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आप लोगों के लिए पोस्ट करूं। एंड हाँ, बहुत लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया है कि आप अपनी फैमिली के साथ ब्लॉग लेके आइए, दी आप अपने घर को दिखाइए, दी आपके कितने नंद है और कितने देवर है ये बताइए। तो मैं ट्राई करूँगी, मैं जल्दी जल्दी इन सारे टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना के आप लोगों के तक पहुँचाऊँ, मतलब अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं पोस्ट करूँ। तो रश्मि है एक, और एक है शायद अनीता। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया है, दी आपने अपनी शादी के लिए मना क्यों किया, और अगर मना किया तो उसके बाद फिर रोका के लिए हाँ क्यों किया। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबकी विश पूरी करूँ। जिसने मुझसे जो जो क्वेश्चंस पूछे, मैं उस हर टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो बना के पोस्ट करूँ। आज सीरियसली बहुत गर्मी है मेरी, मतलब देखो कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं मुझे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो फिर हम चलते हैं रोका के टॉपिक पे। एंड हाँ, आप लोगों को मैं ये आप लोग मुझे पता है पक्का कमेंट सेक्शन में ये पूछोगे कि आपने ये कुर्ती कहाँ से ली। तो मैं बहुत जल्दी आप सबके लिए एक मिंत्रा हॉल लेके आऊँगी, जहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने अपनी कुर्ती कहाँ से ली है, मिंत्रा, अमेज़ॉन या क्लब फैक्ट्री से भी ली हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको वो चीज़ शेयर करूँगी। एंड सब ये बोलते हैं दी आपकी साड़ी बहुत सुंदर होती है, आप कहाँ से लेते हो? तो मैं आपको ये बता दूँ, ऑनलाइन साड़ी मेरे पास बहुत कम है, दो या तीन, इससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास ऑनलाइन साड़ियाँ। तो मैंने ऑनलाइन साड़ी नहीं बाय किया है, बट हाँ मैं आप लोगों के लिए आप जल्दी जल्दी बाय करके और आपको उसका रिव्यू शेयर करूँगी। मेरे पास दो या तीन ऑनलाइन से बाय की हुई साड़ी है, मैं उसका रिव्यू भी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, एंड अपनी कुर्ती का तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए मिंत्रा हॉल लेके आऊँगी, और उसकी लिंक आप लोगों को मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके बाय कर लेना। ओके, एंड अब आते हैं अपने रोका के टॉपिक पे। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना है। मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी जल्दी आप सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस पोस्ट करूँ। अब आते हैं अपने रोका के टॉपिक पे। तो मुझसे उन्होंने पूछा, रश्मि ने एंड अनीता, कि दी आपने अपनी शादी के लिए क्यों मना कर दिया, आपको शादी क्यों नहीं करनी थी? तो मैं उनको बता दूं कि मैंने शादी के लिए इसलिए मना नहीं किया था कि मुझे शादी नहीं करनी, ये सोच के नहीं मना किया था। बट शादी, एक शादी बहुत ज़िंदगी, अब हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है कि यार हमें शादी हो जाएगी हमारी। हम पहली सबसे पहली बात ये सोचती है लड़की कि हम अपनी फैमिली को छोड़ के कैसे रहेंगे कहीं और जाके। ये क्वेश्चन तो सारी लड़कियों के मन में चलता होगा कि यार हम अपनी फैमिली को छोड़ के कैसे रहेंगे, शादी हो जाएगी तो हम कैसे क्या करेंगे। तो ये सब तो चलता ही है सबके मन में, मेरे मन में भी वही चल रहा था। एंड मैं शादी को लेके बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा इसलिए डरी हुई थी कि स्पेशली मैं, पहली बात तो मैं बिहार से हूँ, ठीक है? एंड जो लोग बिहार से होंगे उनको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ का कल्चर क्या है। वो मैं मानती हूँ कि अब चेंज हो गया है, ऐसा नहीं है कि अब अभी भी वैसा ही होता है, ऐसा नहीं है, अब वहाँ का भी कल्चर चेंज हो गया है। बट पहले ऐसा क्या होता था, पहले और अभी भी होता है बहुत सारे घरों में, अभी भी वो चीज़ होती है। पहले ये होता था कि फैमिली ने जाके लड़के को देख लिया, और उनकी फैमिली ने आके लड़की को देख लिया, लड़के लड़की ने एक दूसरे को नहीं देखा, वो एक दूसरे को नहीं जानते, एंड शादी फाइनल हो जाती है। और जब शादी वाले दिन लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है, उस दिन शादी का जो भी होता है उस दिन देखते हैं, तो आप खुद बताओ ये एक लड़की के लिए कितना डिफ़िकल्ट है कि मतलब वो किसी को जानती नहीं है, मतलब बिल्कुल भी कभी मिली नहीं है, उस लड़के के साथ आपको पूरी लाइफ अपनी बितानी है। तो ये बहुत मुश्किल है, और हमारे बिहार में ये चीज़ होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि हर घर में ये होती है, बट पहले होती थी, अभी भी कुछ घरों में ऐसे ही होती है। एंड मेरे जो दादाजी हैं, दादाजी मेरे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मतलब बहुत भी नहीं बोलेंगे, मतलब इन सारी चीज़ों में हैं, ठीक है? तो मुझे भी ये लगता था यार कहीं मेरी शादी भी ऐसे ही होगी, मैं लड़के को देखूंगी नहीं, जानूंगी नहीं, कुछ भी नहीं, और मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं जाऊंगी तो उसको शादी के टाइम पे पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में चलती रहती थी, और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए मैं जब भी मुझसे कोई शादी की बात करता है, नहीं मुझे शादी नहीं करनी, नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मेरे मुँह से हमेशा यही निकलता, नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करनी। फिर
फिर एक दिन क्या होता है कि इनका रिश्ता आता है, ये तो आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था, और वैसे मैं इनको जानती थी, बट अगर हम फैमिली रिलेटिव्स हैं, पर मैं कभी मैंने इनसे बात नहीं की थी किसी फैमिली फंक्शन में, और इन्होंने मुझसे नहीं की थी, तो हम इतने अच्छे से एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो फिर ये जब भी मन में था कि हम किसी को देख के नहीं शादी कर सकते, हमें थोड़ी पता है कि उनका नेचर कैसा होगा, वो कैसे होंगे, ये कुछ भी नहीं पता था मुझे। मतलब ये तो था कि हाँ लोग बताते थे कि वो बहुत अच्छे हैं, अब जब हम फैमिली रिलेटिव्स थे तो मेरे बारे में उनके फैमिली को कोई ना कोई तो बताता ही होगा, और इनके बारे में मुझे कोई भी बताता ही होगा, तो हम एक दूसरे के बारे में चीज़ें सुनते थे, बट हमें नहीं पता था कि जो हमने सुना है वो सच होगा या झूठ होगा, ऐसा तो कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद फिर मेरे मन में चल रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन क्या होता है कि पापा ने मेरे मुझसे बात की, हमारा अभी रोका का डेट शायद नहीं हुआ था फाइनल, तो मेरे पापा ने मुझसे बात की कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे फेस से आप लोगों को पता चल रहा होगा, पर मैं क्या करूँ, गर्मी है तो कोई नहीं, इग्नोर करना मेरे फेस को, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि भाई आप मेकअप मत किया करो, आप विदाउट मेकअप अच्छे लगते हो, तो मैंने ये सोचा कि आज मैं कोई मेकअप नहीं करूँगी, बस मैं लिपस्टिक एंड लाइनर लगा के वीडियो शूट करूँगी, तो मुझे ये मत बोलना दिया जो बहुत गंदे लग रहे हैं। तो मैं फिर एक दिन पापा ने मेरे मुझसे बात की कि उन्होंने पूछा कि तुम शादी के लिए क्यों मना कर रही हो, क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी। तो फिर उस टाइम पापा को ये बताना कि पापा मेरे मन में ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, तो मैं अपने पापा से इतनी फ्रेंक नहीं हूँ, मम्मी से हूँ बट पापा से नहीं हूँ। लेकिन फिर उस टाइम पे पापा ने मुझे बहुत समझाया कि अभी आप मिल लो, ये तो नहीं है कि आप मिलोगे और मैं आपसे बोल दूँगा कि आपको नहीं पसंद है तो आप शादी करा दो, शादी मैं ज़बरदस्ती कराऊँगा, ऐसा तो नहीं है। तो पापा ने मुझे ये समझाया कि आप मिलो पहले लड़के से, बात करो, आपको ठीक लगा तो ओके कर देना शादी के लिए, नहीं लगा तो मना कर देना, हम नहीं करेंगे शादी। तो मेरे को भी लगा कि हाँ, स्पेशली थैंक यू बोलूँगी मैं अपनी दोनों फैमिली को, ये नहीं कि मैं सिर्फ अपने मायके वाले, मैं अपने ससुराल और मायके दोनों फैमिली को बहुत थैंक यू बोलूँगी इस चीज़ के लिए कि उन दोनों ने हमें इतना सपोर्ट किया, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे या इनको हमने मिलवाया एक दूसरे से, हमें एक दूसरे को समझने का टाइम दिया, बहुत मतलब पूछा, ऐसा नहीं था हम दोनों के ऊपर किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि हाँ आप लोग को शादी करनी है कर नहीं। हालांकि हम बिहार से हैं लेकिन हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता, होता था, बट हम दोनों की शादी ऐसी थी कि हमें सबने सपोर्ट किया, मेरी तरफ से मेरी फैमिली ने, इनकी तरफ से इनकी फैमिली ने। फिर मेरे पापा ने ये बात बोली कि आप मिल लो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है शादी का। फिर एक दिन क्या होता है कि 17 नवंबर, उस दिन हमारा रोका था, रोका था, ये नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि हमारा रोका है, मेरे मन में ये चल रहा था कि अच्छा पापा ने बोला है कि वो आएंगे देखेंगे, क्या पता उनको मैं पसंद नहीं आऊँ, वैसे तो उन्होंने मुझे देखा था बट क्या पता सामने से ऐसे देखें उन्हें चीज़ें पसंद है तो वो खुद मना कर देंगे, तो चलो ठीक है कर लेते हैं देख लेते हैं। तो फिर ऐसे करके आया हमारा 17 नवंबर को रोका का टाइम। फिर मैं गई, ये इनके फैमिली सब आए, भाभी भैया, उस टाइम पे मुझे ऑलमोस्ट सबने देखा था सिवाय एक भाभी थी जो मेरी जेठानी है, उन्होंने मुझे नहीं देखा था, उन्होंने मुझे नहीं देखा था, उन्होंने मुझे रोका वाले दिन ही देखा, पहली बार उन्होंने उसी दिन देखा था। तो फिर उस टाइम पे मैं आई, मैं वहाँ पे बैठी और मम्मी और भाभी मेरे पास आई, तो उन्होंने जिस वे में मुझसे बात किया, मतलब तो वो इतना स्वीट था, वो बहुत प्यारा था कि कोई भी लड़की बस यही चाहती है कि उसकी फैमिली बहुत अच्छी हो, हस्बैंड अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं है हस्बैंड ही बस अच्छे हो, फैमिली अच्छी ना हो, ऐसा नहीं होता है, फैमिली भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो मम्मी हैं भाभी हैं, मैं उनसे मिली थी पहले, तो मैं भाभी और मम्मी से पहले नहीं, भाभी से मैं पहले नहीं मिली थी, मम्मी से मैं पहले मिली थी, भाभी से मैं उसी दिन फर्स्ट टाइम मिली थी। तो उन दोनों ने मुझे बहुत ही मतलब बहुत ही प्यार से ट्रीट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार शादी तो मुझे यहीं कर लेनी चाहिए थी, बट फिर मेरे मन में एक चल रहा था नहीं फैमिली तो बहुत अच्छी है, हाँ स्पेशली जो मेरे नंद और देवर हैं उन लोगों ने भी, अब मैं ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि मेरे कितने नंद और कितने देवर हैं, बट मैं ये बताती हूँ उन सब ने भी मुझे इतने प्यार से ट्रीट किया जैसे मैं उनसे कितनी बार मिल चुकी हूँ, मुझे एक बार भी फील नहीं हुआ कि मैं इनके घर की बहू बनने वाली हूँ
या जो भी, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। तो मुझे बहुत अच्छी फैमिली, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और बिहार की फैमिली, मतलब मम्मी ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया कि आपको खाना बनाने आता है, ये करना आता है, वो करना आता है, ऐसा कुछ नहीं। मेरी मम्मी ने इनफैक्ट बोला भी उनसे कि बोला कि आप पूछ लीजिए कि क्या आता है क्या नहीं। तो मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, उनका जवाब ये था कि अगर कुछ नहीं भी आता होगा तो मैं हूँ ना, मैं सिखा दूँगी। उन्होंने ये जब वर्ड बोला ना, तो वहाँ पे जो लोग थे वो उन्हें देखते रह गए, और मैं खुद उन्हें देखती रह गई कि सीरियसली यार कितनी अच्छी हैं। तो वो सीरियसली में बहुत अच्छी हैं। फिर वहाँ मुझे फैमिली तो बहुत अच्छी लगी, मैंने वहाँ तो मन बना लिया कि हाँ यार मुझे शादी करनी है तो यहीं करनी है। फिर मेरे मन में एक क्वेश्चन चल रहा था, फैमिली इतनी अच्छी है, पता नहीं लड़का अच्छा होगा नहीं होगा, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच होगी नहीं होगी, पता नहीं मैं जैसा चाहती थी लड़का वैसा होगा या नहीं होगा, और भी बहुत कुछ मेरे मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर क्या हुआ होता है कि थोड़ी देर के लिए हमें हमारी फैमिली, दोनों फैमिली बोलती है कि आप दोनों अकेले में बात कर लो। फिर अकेले में हम दोनों को एक रूम में बिठाया जाता है बात करने के लिए। हम दोनों अकेले वहाँ पर रूम में बैठते हैं, तो ये मुझे देखते हैं, मैं इनको। हम दोनों बहुत बहुत ही घबराए हुए थे, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था, हम एक दूसरे से क्या बात करें, कैसे बात करें, कुछ भी नहीं पता था। तो ये मुझे देखते थे और मैं इनको देख रही हूँ। फिर इन्होंने मुझसे पूछा, आप अपनी मर्ज़ी से शादी के लिए आपने हाँ बोला है ना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है? इन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला नहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और उस टाइम तक अभी मैंने शादी के लिए हाँ नहीं किया था। तो इन्होंने मुझसे ये पूछा, उसके बाद इन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। और फिर हम दोनों बाहर आ गए, तो मेरी फैमिली ने मुझसे पूछा कि क्या बोल रहे हो आप, आपको पसंद है लड़का? अगर आपको पसंद है तो ही हम आगे बात करेंगे, आपको नहीं पसंद है तो हम यहीं बात ख़त्म कर देंगे। मेरे पापा ने मुझसे ये बात पूछी, इनके फैमिली ने इनसे पूछा होगा तो इन्होंने हाँ कर दिया था कि हाँ मुझे लड़की पसंद है। फिर मैंने अपने पापा की तरफ देखा, फिर मेरे पापा को ये बहुत ज़्यादा पसंद थे, बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। तो फिर उन्होंने मेरी तरफ़ देखा, मैंने अपने पापा की तरफ़ देखा, उनका हाँ यार कर लेनी चाहिए थी शादी, कर लेते। तो फिर मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दिया। फिर वहाँ पे मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया, लेकिन हमें यही पता था कि अभी हमें देखने आए हैं। मेरी फैमिली को भी यही लगता था उस टाइम तक कि अभी तो ये देखेंगे, बट ये अपना सब कुछ जो भी रोका का होता है वो सब कुछ लेके आए थे। जैसे हमने हाँ किया अपना, वहीं पे मम्मी सब कुछ लेके आई थी, हर एक छोटी से बड़ी चीज़ बहुत सब कुछ लेके आई थी। फिर मम्मी ने वहाँ बोला कि जाओ सारा सामान लेके आओ, हम रोका करेंगे। फिर वहाँ पे हमारे यहाँ इसको रोका नहीं बोलते, हमारे यहाँ बिहार में इसको दिखाऊकी बोलते हैं, हम लोग दिखाऊकी बोलते हैं। तो वहाँ पे, यहाँ पे लोग उसको रोका या गोभराई बोलते हैं, बट हमारे बिहार में उसको दिखाऊकी बोलते हैं। तो वहाँ पे दिखाऊकी में क्या होता है हमारे यहाँ कि कपड़े गहने और फल वल देके, और वहाँ पे मतलब पक्का कर दिया जाता है कि हाँ अब मतलब हमें यहीं शादी करनी है, हमारे यहाँ ये होता है। तो वहाँ पे फिर ऐसे ही हुआ, मम्मी ने जो भी लाई थी मम्मी ने मुझे दिया, उसके बाद वहाँ पे हमारा रोका फाइनल हुआ। फिर उसके बाद भी मेरे मन में अभी मैं सेटिस्फाई नहीं थी कि नहीं लड़का बहुत अच्छा, मैंने अभी मेरे मन में क्वेश्चंस थे, बहुत क्वेश्चंस चल रहे थे कि पता नहीं क्या होगा आने वाले कल में, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद रोका हमारा 17 नवंबर को हो गया। फिर हमने कुछ टाइम बाद बात करनी जब स्टार्ट की तो फाइनली जब मैंने इनसे बात किया, इनके बात करने का तरीका, मतलब ये सब मुझे इतना पसंद आया कि मैंने सोचा मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न है ये, जो मैंने इनके इनसे शादी के लिए हाँ किया, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हैं, मैं ये कभी नहीं बोलूँगी, बट हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट हैं, जो जैसा मैं चाहती थी, जो मुझे चाहिए था वो बिल्कुल ही वैसे हैं, एकदम फैमिली पर्सन है, मतलब बहुत अच्छे हैं। एंड ये तो अच्छे हैं, स्पेशली मैं अपनी फैमिली की तारीफ मैं अपने मुंह से बोलूँगी ये आप लोगों को नहीं पसंद आएगा, आप खुद देखते हो कि मेरी फैमिली कैसी है और कैसी नहीं है। तो मेरी फैमिली बहुत क्यूट है, मैं ज़रूर, आप लोगों ने इतना बोला है तो मैं ज़रूर अपनी फैमिली के साथ एक वीडियो पोस्ट करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, मुझे ऐसे ही आप लोग रिक्वेस्ट करो कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है। आज आप लोगों की डिमांड थी कि मतलब आप लोगों ने बोला था मुझे कि दी अपनी रोका स्टोरी और मतलब आपके मन में क्या क्या चल रहा था ये सब शेयर करो हमसे, तो मैंने आप लोगों से यही शेयर किया है। अब मुझे आप लोग भी बताना कि आप लोग भी शादी के नाम से इतना डरते थे और उसके बाद जब शादी हुई तो लाइफ एकदम चेंज हो गई, सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड हाँ, जिस टॉपिक पे आपको मेरी वीडियोस देखनी है वो मुझे इंस्टा पे डीएम करना। थैंक यू एंड बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
और कैसी लगी मेरी ये रोखा की छोटू सी स्टोरी, मुझे ज़रूर बताना। ओके, टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं। एंड मेरे चैनल को लाइक करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब माई चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। ओके बाय।